हे गाइस, वेलकम टू अ टेक्निकल वीडियो ऑफ सस्टेनेबल एवरीडे। और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ टेक्निकल रिव्यू ऑफ हुवावे इन्वर्टर 60 KTL, सन 2060 KTL इन्वर्टर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उसका मैं टेक्निकल रिव्यू बताने वाला हूँ एज एन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंजीनियर कि वाई दिस इन्वर्टर इज़ बेटर इन माई ओपिनियन एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स ऑन साइट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इसकी क्या क्या ऐसी USP है जो इसको एज़ कम्पेयर टू अदर इन्वर्टर्स बेटर बना रही हैं, तो वो आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ गाइस। सो गाइज, दिस इज़ द हुवावे सन 2060 KTL इन्वर्टर। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिख रखा है, दिस इज़ द सन 2060 KTL इन्वर्टर। और ये 60 kW का इन्वर्टर है और इसके एस्थेटिक्स आप देखिए, मैं कुछ आपको इसके साइड व्यूज़ दिखाता हूँ कि ये कितना वाइड है। मेरे हाथ को आप रेफरेंस करके आप देख सकते हैं, ये मेरा पाम पूरा एक्सपेंड है, ठीक है। प्लस दिस इज़ हाँ मल्टी MPPT इन्वर्टर, इसमें 6 MPPTs हैं। आप देखोगे MPPT 1, 2, 3, 4, 5, 6 MPPT का इन्वर्टर है और दो अलग अलग सेगमेंट में MPPTs डिवाइडेड हैं, तो उसके लिए अलग DC डिस्कनेक्ट स्विच एक ये है, ठीक है। और ये इसका पावर ग्लैंड है, कम्युनिकेशन केबल यहाँ से गई हुई है, ठीक है। ये इसका डिस्प्ले है जिसमें आपको एक DC के लिए इंडिकेशन है, AC के लिए इंडिकेशन है, कनेक्टिविटी के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी, जस्ट इन केस आप वायरलेस कनेक्टिविटी चाहते हो तो आपका वायरलेस मॉड्यूल भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, बिकॉज देर इज़ अ USB पोर्ट, जिसकी USB मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। प्लस कोई फेलियर होता है तो वो आपको यहाँ पे AC इंडिकेशन लाइट में दिख जाएगा। जस्ट नाउ द इन्वर्टर इज़ रनिंग, ठीक है। अब जो इस इन्वर्टर की सबसे अच्छी खूबी है कि इस इन्वर्टर में बाकी इन्वर्टर के कंपैरिजन में नॉइज़ का बहुत कम लेवल है, क्योंकि आप इसके पीछे की हीट सिंक अगर आप देखोगे, हीट सिंक मैं आपको दिखाता हूँ, हीट सिंक डजेंट हैव अ फैन हियर, ठीक है। इट रन्स ऑन नॉर्मल कूलिंग, इसका हीट सिंक इज़ क्वाइट हैवी, तो जो भी मतलब डेसिपेशन हो रहा है इस इन्वर्टर में इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसकी हीट सिंक से होते हुए नेचुरल कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है। इसमें कोई फ़ैन का ऑपरेशन नहीं है, जो आवाज़ आ रही है वो इसके इंटरनल फ़ैन लगा हुआ है, इसके इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स को कूल डाउन करने के लिए। अब इस USB पोर्ट का मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ, ठीक है। एज एन O&M इंजीनियर, जब आप साइट पे आते हो तो सबसे बड़ा जो आपका हथियार होता है वो होता है क्लैम मीटर, ठीक है। बट इस इन्वर्टर को चेक करने के लिए, जस्ट इन केस आप देख रहे हो, मैंने MPH DC एम्प्स पे सेट कर दिया है एंड आई एम चेकिंग द करंट, तो मुझे 6 एम्प्स कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है। तो इस इन्वर्टर का सबसे बड़ा खूबी ये है कि जस्ट इन केस आप साइट पे आए हो और आपके पास क्लैम मीटर नहीं है, वोल्ट मीटर नहीं है इसका करंट वोल्टेज टेस्ट करने के लिए, तो ये सब कुछ आप मेजर कर सकते हो यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन और USB केबल यहाँ पे लगा के। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, हेयर वी आर नोटिंग डाउन द वोल्टेजेस एंड द करंट, ठीक है। वो आपको इस USB पोर्ट के थ्रू, देखिए हमने केबल लगाई है और केबल आके कनेक्टेड है आपके फ़ोन से, तो जस्ट इन केस आपके पास नहीं है क्लैम मीटर, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके थ्रू आप अपना वोल्टेज और करंट का डेटा, जनरेशन का डेटा सब कुछ नोट डाउन कर सकते हैं इस इन्वर्टर से। तो मोबाइल ऐप के थ्रू, जो सन 2060 KTL का मोबाइल ऐप है, बेसिकली हुवावे इन्वर्टर का ऐप है, उसके थ्रू कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं वो अब मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाता हूँ। तो अगर आपको अपने इन्वर्टर को मोबाइल से पेयर करना है, ये मेरा मोबाइल है, तो यू नीड एन OTG सपोर्टेड एंड्रॉयड फ़ोन और उसमें सन 2060 KTL मोबाइल ऐप का ऐप आपके अंदर डाउन प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक USB OTG केबल लेना है, आपको इन्वर्टर की USB पोर्ट में लगाना है एंड देन यू नीड टू प्लग इन इनटू योर मोबाइल फ़ोन। Thank you.
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा फ़ोन नाउ इज़ कनेक्टेड यूजिंग द यूएसबी केबल और इसमें वन सिट इज़ कनेक्टेड। तो आपको अपने फ़ोन में एक सबसे बड़ी चीज़ चेक करनी है, स्पेशली फॉर एंड्रॉयड 10 यूज़र्स, आपको अपने सेटिंग में जाके सिस्टम में चेक करना है कि वेदर दी ओटीजी इज़ एक्टिवेटेड और नॉट। वंस दी ओटीजी इज़ एक्टिवेटेड आप वापस जाइए एंड नाउ यू ओपन द सन 2060 KTL ऐप। ठीक है, ये है हुवावे का ऐप। इसमें आपको क्या करना है, कनेक्शन मोड में आपको सिलेक्ट करना है यूएसबी डेटा केबल और यहाँ पे आपको इन्वर्टर को एक एक्सेस देना है। कॉमन यूज़र के अंदर आपको स्पेशल यूज़र सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपको पासवर्ड एंटर करना है। मैंने पासवर्ड इनपुट कर दिया है। आप देखोगे कि अब जो है मोबाइल ऐप जो है वो इनपुट हो गया है। तो अभी आप देखोगे कि फर्स्ट जो है मेरा अलार्म है, तो अलार्म में मेरे देर इज़ नो अलार्म, कोई अलार्म नहीं जनरेट हुआ इन्वर्टर में। फिर अलार्म के बाद है आपका रनिंग इन्फो। तो रनिंग इन्फो में आप देखोगे कि इन्वर्टर का करंट पावर, पीक पावर, एनर्जी यील्ड, टोटल कितना इसने जनरेट किया है, रेवेन्यू, इनकम विथ ग्राफ, सब कुछ दिखा रहा है। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं तो हमारे सारे पीवी वोल्टेजेस दिखा रहे हैं। ऑन ग्रिड है हमारा इन्वर्टर, ठीक है, उसका वर्जन, फर्मवेयर वर्जन दिखा रहा है और सारे उसके ऑपरेटिंग वोल्टेजेस दिखा रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि जितने भी यहाँ पे वोल्टेज हैं ये सब ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं और नीचे जो है ऑपरेटिंग करंट है। जैसे ही अगर मुझे ओपन सर्किट वोल्टेज अगर इसका लेना होगा इस सिस्टम का, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस इन्वर्टर का एसी ऑफ कर दूँगा। ठीक है, एसी ऑफ देखिए, मैं जैसे ही करूँगा तो इसमें जो है मुझे वो मिल जाएगा, इसका ओपन सर्किट वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ओपन सर्किट वोल्टेज इसका दिखाता हूँ। अभी आप इस ऐप में देखेंगे कि जितने भी हमारे करंट की वैल्यू है सब कुछ ज़ीरो हो गई है क्योंकि एसी ऑफ हो गया है और जो हमारे वोल्टेजेस आ गए हैं वो अब हमारे ओपन सर्किट वोल्टेजेस हैं। तो इस तरीके से बिना क्लैंप मीटर या MC4 ओपन किए हम इसका ओपन सर्किट वोल्टेज भी ले सकते हैं, हो जाएगा। तो इसमें इस डिटेल में आपको इसके लाइन वोल्टेजेस, फेज वोल्टेजेस भी मिलेंगे, इनपुट पावर भी मिलेगा, ग्रिड फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, कैबिनेट टेम्परेचर, सब कुछ आपको इससे पता चलता रहेगा। पावर फैक्टर भी आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी सपोर्ट का है और इंसुलेशन भी इसमें किस स्ट्रिंग में कितना इंसुलेशन किस डेट को आता है वो भी इस इन्वर्टर में रिकॉर्ड होता है। वापस आते हैं सेटिंग में। तो सेटिंग में आप ग्रिड पैरामीटर, प्रोटेक्टिव पैरामीटर, फीचर, ग्रिड टाई, पावर असिस्मेंट, सब कुछ आप इसमें, यूज़र पैरामीटर आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, एनर्जी यील्ड भी है अलग से टैब जिसमें आप एनर्जी यील्ड ईयरली, मंथली, डेली का देख सकते हो। ठीक है, मेंटेनेंस में आप जाओगे तो इस इन्वर्टर के कुछ मेंटेनेंस पैरामीटर रहेंगे, डिवाइस मैनेजमेंट, पावर ऑन ऑफ, रिस्टोर, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, वो सब आप इसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इन्वर्टर फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हो, डिवाइस लॉग और अबाउट में जाके इसका फर्मवेयर, सीरियल नंबर, मॉडबस आईडी, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस ये है इसके ऐप का रिव्यू गाइस। काफ़ी कन्वीनियंट इसका ऐप है। तो इस ऐप के थ्रू आप इस बिना क्लैम मीटर, जो आपका क्लैम मीटर रहता है, बिना इसको इस्तेमाल किए आप इस इन्वर्टर के टेक्निकल डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रॉम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी हैंडी और कोई भी अगर बंदा साइट पे आ रहा है तो उसको दूसरे बंदे की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार स्ट्रिंग डिसमेंटल करनी है और वोल्टेज और करंट का पैरामीटर लेना है। आप अकेले भी ये एक्टिविटी इसके मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हो। तो इसलिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ये हुवावे सन 2060 KTL का इन्वर्टर है इट इज़ वेरी हैंडी एंड वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ ऑन साइट। आई होप गाइज ये हुवावे सन 2060 KTL इन्वर्टर का रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक होता है इंस्टॉलर, एक होता है मैन्युफैक्चरर और एक होता है रिव्यू देने वाला दी एंड यूज़र विच इज़ मी। तो डेली बेसिस में मैं इस इन्वर्टर को यूज़ कर रहा हूँ एंड मेंटेनेंस इस इन्वर्टर का हो रहा है, सो इट इज़ क्वाइट हैंडी टू यूज़। इसका मेंटेनेंस काफ़ी आराम से हो जाता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा फ़ैन फिल्टर्स नहीं है जिसे हमें डिसमेंटल करके क्लीन करवाना पड़ता है। इट कैन ईजिली बी डन यूजिंग एन वेरी पावरफुल बैटरी ऑपरेटेड एयर ब्लोअर।
और हमें क्लैम मीटर का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता साइट पे। क्लैम मीटर तभी इस्तेमाल होता है जब इसमें कुछ हैवी फॉल्ट आ जाता है या इसके कैबिनेट को खोल के हमें इंसुलेशन चेक करना पड़ता है स्ट्रिंग वाइज। अदरवाइज़ योर मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन एंड डेटा केबल इज़ सफिशेंट इनफ टू कलेक्ट द VOC डेटा, द ऑपरेटिंग वोल्टेजेस, द ऑपरेटिंग करंट, द लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, सब कुछ इसका आपको मोबाइल ऐप के थ्रू मिल जाता है। इवन द डेटा डे एनर्जी, लाइफ एनर्जी, करंट एनर्जी, पावर फैक्टर, फिर और सब कुछ मतलब आपको इसके मोबाइल ऐप में मिल सकता है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने कंपनी के साथ शेयर कर सकते हो। सो फ्रॉम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इन्वर्टर गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम सस्टेनेबल एवरीडे हिमांशु। और आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा। फ्यूचर में और भी बहुत सारे स्ट्रिंग इन्वर्टर्स हैं सोलर साइट पे, बहुत सारे अच्छे रेनाउंड कंपनी के, जिनकी मैं रिव्यू करूँगा। तो जस्ट इन केस अगर आप वो वीडियोस आप देखना चाहते हो, जस्ट स्टिक टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल सस्टेनेबल एवरीडे गाइस, एंड आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। फॉर नाउ पीस।